नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम शिबिन। आज हम अपना वीडियो में देखेंगे जो बार कोड्स होती है, अपना जो थर्मल बार कोड होती है, इसको दोनों को जैसे आपने दुकान में जाके पूछेगा बार कोड चाहिए पूछेंगे, बार कोड लेबल स्टिकर चाहिए पूछेंगे, वो एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, थर्मल ट्रांसफर चाहिए या डायरेक्ट थर्मल चाहिए। दोनों में बहुत फर्क है दोस्तों, आप कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ये वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप इसको देख सकता है। ये जो बार कोड रोल आपको दिख रहा है, इसमें भी देखो बार कोड प्रिंट हो चुका है, ठीक है जी। और ये जो प्रिंटर आपको दिखा रहा है, मैंने ये जो प्रिंटर है, ये जो है रिबन डाला हुआ है इसमें, रिबन। जो प्रिंटर में रिबन चलता है उसको, वो जो स्टिकर को बोलता है थर्मल ट्रांसफर स्टिकर, यानी कि वो जो ब्लैक कलर का जो रिबन होता है जो प्रिंटर के अंदर, देखो ये जो ब्लैक कलर का रिबन आपको दिखाई देती है, ये रिबन में जो ब्लैक कार्बन होता है वो जैसा वो उसका हेड हीट करता है उसके हिसाब से अपना जो पेपर में चिपक जाता है, वो है ना जी, ये चिपक जाता है। और दूसरे एक टाइप का बार कोड होते हैं डायरेक्ट थर्मल। आपको जो अपने जो बार कोड जब भी खरीदने के लिए जाएंगे, ये क्वेश्चन दोनों पूछता है, थर्मल ट्रांसफर चाहिए या डायरेक्ट थर्मल। थर्मल ट्रांसफर मतलब आपने क्लियर हो गया, वो जो बार कोड में रिबन चलता है, रिबन वाला प्रिंटर में थर्मल ट्रांसफर डालता है। बार कोड प्रिंटर बिना रिबन का भी आता है, बिना रिबन का प्रिंटर में उसको वो बार कोड को आपने बोलता है डायरेक्ट थर्मल, यानी डायरेक्ट थर्मल बार कोड है। ये दोनों में कैसा आपने पहचानेगा, यानी ये देखेगा तो आपने नहीं समझ जाएगा, ये आप इस तरीके से उठा के देखेगा ना, जैसा हम उसमें जो डेली काम करता है उनको समझ जाता है, लेकिन नॉर्मल आदमी को वो पहचानना मुश्किल है। तो ये दोनों सामने ऐसे रखेंगे, दोनों के कलर वाइट है, दोनों के दिखने में सेम है, कोई फर्क नहीं है, लेकिन आप कैसे पहचानेंगे उसको। देखो ये जो स्टिकर मैंने डाला हुआ ना, ये जो रिबन वाला है, ये थर्मल ट्रांसफर है। मेरा जो हाथ में है ये वाला जो है, ये डायरेक्ट थर्मल है, ठीक है। ये डायरेक्ट थर्मल कैसे काम करता है, मतलब ये जो बार कोड के ऊपर कभी भी हीट आता है, यानी गर्म आता है, वो ब्लैक होता है डायरेक्ट, यानी ये पेपर में मतलब है, इसमें क्या है वो रिबन में मतलब है, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा हीट करके दिखाएंगे आपको, जैसा हीट करेंगे वो ब्लैक हो जाएंगे। उसके लिए आपने कोई भी एक लाइटर वगैरह जो भी आपको मैच बॉक्स जो भी ले लेना, मैं आपको थोड़ा सा सामने करवा देता हूं। देखो ये जो दिख रहा है ना जी आपको, ये मैंने इस जगह पे थोड़ा सा गर्म करता हूं, मात्र जलाने के नहीं है, मात्र इसको जो थोड़ा सा लाइट करके थोड़ा सा इसको सामने लेके जाना है, ब्लैक हो रहा ना जी, ये नहीं जलाए, ये गर्म होने से ब्लैक होता है, ठीक है, समझ गए ना आपको, आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस वन, ठीक है जी। वो गर्म होने से ब्लैक होता है, और एक बार दिखा दे रहा हूँ, देखो इस जगह पे मैंने थोड़ा सा इसको लाइटर को थोड़ा सा सामने लेके जा रहा हूँ, बस ये जला नहीं है, ठीक है। इधर टच करके देखोगे तो कोई हीट नहीं है, वो जैसा हीट आएंगे वो ब्लैक होता है। ये सेम आप आयरन बॉक्स में रखे, मार दो आयरन बॉक्स, पूरा ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो रिबन वाला, मतलब जो डायरेक्ट थर्मल जो रिबन डाला हुआ ना प्रिंटर का, डायरेक्ट थर्मल का जो बार कोड से ये जो प्रिंट हो गया बार कोड एक प्रिंट हो गया, मैंने ये वाला एक बार कोड अभी निकाल के आपको सामने दिखा रहा हूँ। देखो आई थिंक यू कैन सी, यस, इसको थोड़ा हीट करके देखेंगे, ये ब्लैक नहीं होंगे हीट करने से भी, देखो ये जल गया है ना जी, लेकिन ये मतलब ब्लैक नहीं होता। मैंने और एक बार करके दिखा देता हूँ आपको, सॉरी ज़्यादा हीट करने से वो जल जाता है, देखो ये हीट करने से ब्लैक नहीं होंगे, देखो ना ब्लैक नहीं हो रहा जी दोस्तों, वो कार्बन रिबन से जो प्रिंट है वो ब्लैक कलर आपने प्रिंट दिख रहा है इसमें, लेकिन आपने हीट करने से ये ब्लैक नहीं होंगे, देखो ज्यादा हीट करेंगे मात्र जल जाएंगे, ब्लैक नहीं होंगे, देखो है ना, ज्यादा हीट करेंगे ये जल जाएंगे, ठीक है जी। यस, ऐसा होती है, ये दोनों को मेन जमीन आसमान का ये फर्क है दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।